नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वास्तु दोष के कुछ ऐसे नियम बताएंगे जो कि एक वैवाहिक जोड़े के लिए उपयोगी बताए गए हैं। ये नियम शारीरिक संबंधों के बारे में है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। वास्तुशास्त्र का हमारे हिंदू शास्त्रों में वर्णन है कि यदि कोई इसका सही इस्तेमाल करता है तो हर संकट से मुक्ति पा लेता है। हर तरह की परेशानी का वास्तुशास्त्र में इलाज है। शारीरिक संबंध बनाने के बारे में वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि पवित्र नदी के समीप कभी भी शारीरिक संबंध ना बनाएं। ऐसी जगह बनाए गए संबंध लड़ाई झगड़े का कारण बन सकते हैं। अगर आसपास आग जल रही है तो ऐसी जगह पर वास्तुशास्त्र के अनुसार शारीरिक संबंध नहीं मनाने चाहिए। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से देखें तो आग को अग्नि देवता माना गया है और देवता के समीप शारीरिक संबंध बनाना उचित नहीं है। जिस जगह ऋषि मुनि हो या फिर ऐसे लोग जिसका अनुसरण किया जाता है, ऐसी जगह पर भी भूलकर शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इसके अलावा किसी नवजात बच्चे की मौजूदगी में शारीरिक संबंध बनाना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पति पत्नी को अपने बच्चे के समीप ऐसे संबंध नहीं बनाने चाहिए। किसी मंदिर परिसर या पवित्र स्थान पर शारीरिक संबंध बनाना महापाप माना गया है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जहाँ कोई गुलाम हो वहाँ भी शारीरिक संबंध बनाना नहीं चाहिए। ये सभी नियम जो पति पत्नी निभाते हैं, शास्त्रों में कहा गया है, आजीवन सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे पति पत्नी के रिश्ते में कभी भी दरार नहीं आती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। हमारी ऐसी ही अन्य जानकारियों को हासिल करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।